साधु जी, जोर से बोलो ना, सीताराम। सीताराम अंग्रेजी में कहें तो हाउ आर यू, हाँ आनंद में हो ना, गर्मी कम है, भगवान से और प्रार्थना करें कि बढ़वाएं का। आप सच में सब बड़ी तपस्या कर रहे हैं, बहुत तपस्या कर रहे हैं। कूलर भी अपना काम नहीं कर रहा लेकिन बहुत तपस्या कर रहे हैं, पर ठीक है, पंडाल के अंदर गर्मी है तो कानों के द्वारा मन के अंदर भागवत कथा की शीतलता तो पहुंच रही है, और बाहिक गर्मी से तो सिर्फ पसीना निकलेगा लेकिन भागवत कथा की जो ठंडक है इससे जीवन जीना निकलेगा। साथ जीवन जीने की कला सीखनी है तो भागवत सीखो साहब, सुनो, जीवन जीने की कला तो भागवत सिखाती है, किसी को मरने की कला भी सीखनी हो तो भागवत सीखो। हाँ भागवत सुने, मोक्ष अगर करना है तो परीक्षित जैसा मोक्ष हो। तक्षक नामक नाग आया और परीक्षित ने हाथ बढ़ा दिया, ले तुझमें दम हो तो काट। नाग भी चौंका, तू मरने के लिए तैयार है? तो परीक्षित बड़ा मुस्कुरा करके बड़ा प्यारा भाव कहते हैं, बोले मैं तो कभी मरता नहीं, मरती हो तुम, मरता तो शरीर है, मैं तो कभी मरूंगा ही नहीं, तुझमें दम है तो मार। भागवत अगर जीना भी एक तरफ सिखाती, जीना तो मुस्कुराना ठाकुर से, जीने का मतलब मुस्कुराहट। भगवान कृष्ण के संपूर्ण चरित्र में अगर आप कुछ सीखो या ना सीखो, एक चीज जरूर सीखना, बहुत बार बोले फिर बोलते हैं, मेरे पागलो मेरे ठाकुर से मुस्कुराना सीखना। हमारे गोविंद अवतार कहां लेते? जेल खाने में। भये प्रगट कृपाला दीन दयाल, भगवान प्रगट भये, अवतार लेते हैं जेल खाने में लेकिन मुस्कुराए। जब माता ने कहा, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु ताद यह रूपा, कीजे शिशुलीला अति प्रिय सीला, यह सुख परम अनुपा। भगवान चार भुजाएं लेकर के, वही विराट रूप भगवान मेरे श्री हरि का, मेरे ठाकुर का, वो विराट श्यामलतर स्वरूप लेकर के भगवान प्रकट हुए। माँ चौंक गई, माँ जेल खाने में कहती है, भगवान ये आप रूप बदलो। भगवान कहते माँ क्यों? तो ठाकुर जी से माँ बोलती है, सरकार इतना बड़ा रूप लेकर के तुम हमारा पुत्र बनोगे ना तो दुनिया वाले हंसेंगे कि देखो तो देवकी के 6-7 फीट का बड़ा छोरा भैया। मां कहती है आप रूप बदलो। माता पुनि बोली, जब मां ने कहा कीजे शिशुलीला अति प्रिय सीला, यह सुख परम अनुपा, आप बाल लीला कीजिए, छोटी सी लीला, आप बालक बनिए। भगवान ने धीरे धीरे धीरे, पहले बड़ा विराट रूप था फिर छोटा किया। मां अब तो ठीक है ना, भगवान मैया कहती नहीं नहीं और छोटा, भगवान ने और छोटा, अब तो ठीक है ना, नहीं नहीं और छोटा, भगवान एकदम शिशु बन गए। माँ अब तो ठीक है ना, जसोदा मैया कहती, ये देव की मैया कहती है अभी और गड़बड़ है। ठाकुर जी बोले माँ अब क्या गड़बड़ है? बोले देखो महाराज, जिसके भी छोरा होता है, नवजन्मित छोरा के 3200 दांत नहीं होते, एक भी दंतावली नहीं होती, भगवान ने दांत गायब कर दी। माता जी अब तो ठीक है? मैया बोली धैत तेरी की, साफ बर्बाद कर दो। अब ठाकुर जी बोले मैया अब काय को बर्बाद कर दो? तो मैया कहते ठाकुर जी जाके छोटो सो छोरा हो, नौ छोरा पटर पटर बातें ना करे, वो तो रोवे, ऐसे पटर पटर सवाल जवाब ना करे, रोवे। ठाकुर जी ठहाका लगाकर हंसकर बोले मैया आज तक मैंने रोनो ना सीखो,
मैया कहवे देखो भाई छोरा बन के आए तो रोना तो पड़ेगा। तो माता पुनि बोली सोमति डोली कीजे शिशु लीला अति प्रिय सीला यह सुख परम अनु। तब सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुरभु चन सुजाना रोदन ठाड़ा बालक यह चरित जगावै हरि पद पावै ते नंबर मेरे ठाकुर तुरंत माँ के कहने पर रो पड़े। वो गोविंद जो दुनिया को हंसाने का काम करते रोए लेकिन पता है रोते रोते भी मुस्कुराए। थोड़ा रोए ठाकुर जी बंद हो गए तो यशोदा देव की मैया ने पूछा आप बंद क्यों हो गए। ठाकुर जी बोले ज्यादा रोएंगे तो हमारे मामा जी जाग जाएंगे, मामा जी जाग जाएंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि मामा हमारो कंस है। तब तो ठीक है। अब भगवान मुस्कुराए, अच्छा मुस्कुराए कोई बात नहीं। भगवान रातों रात जेल खाने से कहां गए? गोकुल। कहां गए बोलो ना? गोकुल। गोकुल में आए तो अवतार मथुरा में लिया, बधाई गोकुल में बजी और ठाकुर जी मुस्कुराए। बहुत दिनों तक गोकुल रुके ठाकुर जी, पर गोकुल में भी चित्त नहीं चिपका। नेक से बड़े हो गए हमारे कन्हैया, तो बड़े होते ही गोकुल को भी छांट दिया, श्री धाम वृंदावन आ गए। बोलो वृंदावन धाम की जय। गोकुल को छोड़ा वृंदावन आए तब भी मुस्कुराए। वृंदावन में माखन चोरी की, वृंदावन में कदंब की लीला की, वंशी की लीला की, गोवर्धन लीला की तब भी मुस्कुराए। वृंदावन में चीरहरण किया तब भी मुस्कुराए। और जब एक दिन भैया अक्रूर चाचा जी ठाकुर जी को लेने आ गए, हमेशा के लिए वृंदावन छोड़ना पड़ा, मथुरा आनो पड़ो, तब भी ठाकुर जी ब्रजांगनाओं को ब्रजवासियों को छोड़ करके केवल मुस्कुराए। क्या किए? मुस्कुराए। भगवान रोए नहीं। अभी बात पूरी नहीं हुई। मथुरा में मामा कंस का वध किया और वहां के राजा उग्रसेन को बनाया, ठाकुर जी फिर भी मुस्कुराए। राजा कंस के ससुर जी का नाम था जरासंध। राजा कंस के ससुर ने 17 बार आक्रमण किया तब भी ठाकुर जी मुस्कुराए। और 18वीं बार जब 35,000 ब्राह्मणों को जरासंध अनुष्ठान पर बैठा करके आया कि इस बार अगर मैं युद्ध विजय प्राप्त नहीं किया तो तुम सबका वध कर दूंगा, ठाकुर जी ने ब्राह्मणों की लाज बचाने के लिए रण छोड़ करके भग गए, युद्ध भूमि से भाग गए और गोविंद का नाम रणछोड़ दास पड़ गया, तब भी ठाकुर जी मुस्कुराए। लेकिन अभी रुकना, रणछोड़ बने सो तो ठीक है। हमारे प्रभु द्वारका आए, द्वारका के राजा बने तब भी मुस्कुराए। और एक दो शादियां तो सबको ही कर लेता है, हमारे ठाकुर जी ने 16,108 ब्याह किए तब भी हमारे ठाकुर जी मुस्कुराए। 16,108 विवाह किए सो तो ठीक है, जरा रुकना। सभी जितनी 16,108 रानियां थी, सभी रानियों को 10-10 संतानें हुई, 10-10, 1,61,080। इतने तो ठाकुर जी के केवल पुत्र भय तब भी ठाकुर जी मुस्कुराए। अभी बात पूरी नहीं हुई, 1,61,080 इन पुत्रों का विवाह हुआ तो इनके भी 10-10 संतानें हुई। अब जरा गुड़ा भाग करते रहना आप सब, तब भी ठाकुर जी मुस्कुराए। ब्रज छूटा, ब्रज की याद आई तब भी ठाकुर जी मुस्कुराए। द्वारकापुरी में समुद्र के किनारे अपने ही पौत्र पौत्रों को आपस में लड़वा करके मरवाना शुरू कर दिया तब भी हमारे ठाकुर जी मुस्कुराए। और अंत समय में जब एक बहेलिया ने ठाकुर जी के चरणों में
तीर को मारा तब भी हमारे ठाकुर जी, और एक तरफ धर्म क्षेत्र महाभारत का, महाभारत के युद्ध में एक तरफ कौरव एक तरफ पांडव, बीच में हमारे ठाकुर जी खड़े। लोग बोले तुम्हें डर नहीं लग रहा है, यहां मरने वाले हैं तो मुस्कुरा रहे हो। ठाकुर कहते हैं डरना भी तो क्या डरना, डर भी एक दिन ऐसा डर जाए मुस्कुरा के भर देखो। पूरे जीवन काल में हमारे ठाकुर जी ने मुस्कुराना नहीं छोड़ा।